हेलो दोस्तों, मैं योगेश प्रॉपर्टी 2050 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको एक नई लोकेशन पे लेके आए हैं। आप देख सकते हो कि मेरे इस साइड में काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी है। ये ज़मीन बीघाओं में बिक रही है एक्चुअली, तो यहाँ पे 3 से 4 बीघा ज़मीन अभी भी खाली है दोस्तों। तो यहाँ पे जो मेन पर्पज़ है, सस्ती लैंड यहाँ पे ये है। तो इसका जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको कॉस्टिंग बता दूँ, बहुत ही सस्ते कॉस्ट में आपको ये मिल रही है। आगे मैं वीडियो में डिस्कस करूँगा इसकी कॉस्टिंग के बारे में। उसके अलावा आप देख सकते हो कि पूरा रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है, पूरे लाइट के कनेक्शंस आप देख सकते हो, यहाँ पे पोल लगे हुए हैं। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा दूर पे जाके नदी बहती है एक, जो कि बरसात में काफ़ी थोड़ा बढ़ जाती है, लेकिन वो काफ़ी दूर है। इसके बाद में भी कुछ प्लॉट्स खाली पड़े हैं, उसके बाद में वो नदी का एरिया शुरू होता है। उसके अलावा दोस्तों, इसके बैकग्राउंड में आप देखोगे तो यहाँ पर एक छोटी सी फैक्ट्री अभी रिसेंटली बनी है, और यहाँ पर ये लोग टिश्यू पेपर का बिज़नेस करते हैं। ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है टिश्यू पेपर की, और ये लोकल में इस चीज़ को सेल करते हैं। तो आप अगर कोई छोटी मोटी यूनिट लगाना चाहते हैं, जैसे इन लोगों ने लगाई है, हमने काफ़ी देर इनसे बात भी करी। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आप अगर अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर आप कोई फ्लैट बना के बेचना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज़, इसकी जो डिस्टेंस है ISBT से लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है, तो कोई ज़्यादा नहीं है। नियरेस्ट में आपको शिमला बाईपास रोड वाला जो हाईवे है वो देखने को मिलता है। इधर साइड आप चलोगे तो यहाँ पे आपको प्लॉटिंग देखने को मिलेगी, साथ में 20 फीट की रोड इस पे कनेक्टेड है। लेकिन प्राइसिंग में अगर हम डिफरेंस देखें तो दोस्तों, काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप ऊपर की साइड चलोगे जहाँ पे ये प्लॉटिंग हुई है, तो यहाँ पे 60-70 लाख रुपीज़ पर बीघा का प्राइस है। अगर आप वहीं दूसरी साइड चलते हैं जहाँ पर मैंने आपको अभी जो लैंड दिखाई है, ये जो 3 से 4 बीघा जो खाली है दोस्तों, जो मेरे राइट हैंड साइड में है, जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाई थी, इसका जो प्राइस है 25 से 26 लाख रुपए पर बीघा है। तो काफ़ी सस्ता प्राइस है, और डिस्टेंस आप देख सकते हो कि बहुत ही कम डिस्टेंस में ये है। इसका कारण ये है सस्ता होने का, कि ये थोड़ा सा जो नदी वाला एरिया है उससे कनेक्टेड है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि जो नदी है वो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है एक्चुअली, इसके बाद में भी कुछ लैंड खाली है, उसके बाद में नदी का एरिया कनेक्टेड है। इस लैंड पे आप कुछ और भी काम शुरू कर सकते हैं, जैसे कोई अगर डेयरी शुरू करना चाहता है, किसी की बहुत सारी गायें हैं, बकरी हैं, भेड़ हैं, उसका पालन कोई करना चाहता है, तो उसके लिए लैंड काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में कुछ लोग यहाँ पे पालन करते भी हैं, और उनकी गायें वहाँ चुगने के लिए गई हैं। आप देख सकते हो, जूम करके दिखाएंगे आपको, और वहाँ पे गायें चर रही हैं। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे पानी भी पी सकती हैं गायें, तो ये थोड़ी सी एक टेंशन कम हो जाती है जो लोग इस तरीके के पालन करते हैं। और दूसरी साइड आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट वाला एरिया आप देखोगे बैकग्राउंड में, तो वहाँ भी आपकी गाय भैंस जा सकती हैं। तो ये मतलब दोनों जो ऑप्शंस हैं उनके लिए ये ज़मीन पूरी खुली हुई है। इधर आप कोई अपना छोटा सेटअप लगाना चाहते हैं, आप अपना डेयरी वाला बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, तो सस्ते रेंज में आप ये पूरी 3 से 4 बीघा आप खरीद सकते हो। और 25-26 लाख रुपए बीघा कोई बहुत ही मायने नहीं रखता है देहरादून की लैंड के लिए दोस्तों। मैंने जैसे आपको बताया कि ऊपर का प्राइस कुछ और है, नीचे का प्राइस कुछ और है, और वैसे भी देहरादून में आप इतनी जो नियरेस्ट लोकेशन है ISBT से 12 से 13 किलोमीटर के दायरे में, आपको इतनी सस्ती ज़मीन बहुत ही कम देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर पूरी जो पानी की फिटिंग है, पानी की तो शायद नहीं है इधर, लेकिन लाइट की पूरी फिटिंग है। पानी के लिए यहाँ पर शायद बोरिंग करनी पड़ती है, उसके बाद में ही यहाँ पर पानी निकालना पड़ता है। बाकी दोस्तों, एक बार अगर मतलब अगर आप कोई विज़िट करना चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा डिटेल्स सारी नीचे कॉन्टैक्ट में आपको दी हुई हैं, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है बनने में, इस बात पे लाइक तो बनता है। उसके अलावा अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना दोस्तों। बाकी अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, वहाँ जाके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।